आज़ादी के बाद से गरीबी और भुखमरी को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कई प्रकार के वादे किए गए आज हमारी आबादी एक करोड़ के करीब में पहुँच गई है जिसमें इक्कीस प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे सरवाइव कर रहे हैं जिनको दो वक्त का भोजन भी ठीक से नहीं मिल पा रहा है भुखमरी को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ योजनाएं जारी की जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 और सरकारी स्कूल में मिड डे मील इसके बावजूद आज तक गरीबी और भुखमरी को कुछ ज़्यादा हद हाँ तक हम लोग कम नहीं कर पाए हैं हेलो एवरीवन मेरा नाम विरोधमन त्रिपाठी और आज हम बात करने वाले हैं जीएचआई यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में हाल ही में जीएचआई की 107 देशों की रिपोर्ट आई जिसमें भारत पिछले वर्ष 2019 में भारत 102 नंबर पे था और 2018 में भारत 103 नंबर पे था ये रिपोर्ट आयरलैंड की कंसर्न वर्ल्ड वाइड एजेंसी और जर्मनी की वेल्ट हंगर हाई लाइफ के द्वारा बनाई गई ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक एनुअल हंगर रिपोर्ट है जो ग्लोबल रीजनल और नेशनल लेवल पे हंगर के लेवल को मेजर करता है 107 देशों में तेरह देशों की स्थिति भारत से ज़्यादा दयनीय है जिसमें रवाडा नाइजीरिया अफगानिस्तान लाइबेरिया और मोजाम्बिक शामिल हैं पर भारत इस स्टैटिक्स में श्रीलंका पाकिस्तान नेपाल इंडोनेशिया से पीछे है जी एच आई चार कंपोनेंट के आधार पर काम करता है पहला अंडर दूसरा चाइल्ड वेस्टिंग तीसरा चाइल्ड स्टंटिंग चौथा चाइल्ड मोर्टैलिटी ये चारों कंपोनेंट जी एच आई को मेजर करते हैं इन चारों कंपोनेंट के आधार पर जीरो से सौ तक एक स्केल तैयार किया जाता है जिसमें जीरो का मतलब नो हंगर और सौ का मतलब सबसे खराब वाली स्थिति होती है अंडर नरिशमेंट पॉपुलेशन की उस भाग की का कैलकुलेशन करता है जिनमें कैलोरी की कमी होती है भारत में चौदह परसेंट आबादी अल्पपोषित है दूसरा चाइल्ड वेस्टिंग भारत में चाइल्ड वेस्टिंग सेवनटीन पॉइंट थ्री परसेंट है यह कद के हिसाब से वजन के कम होने को इंडिकेट करती है तीसरा चाइल्ड स्टैंडिंग चाइल्ड स्टैंडिंग में उन बच्चों की गणना की जाती है जिनकी एज के अकॉर्डिंग हाइट नहीं होती है भारत में इसकी परसेंटेज थर्टी सेवन पॉइंट फोर है चौथा चाइल्ड मोर्टैलिटी भारत में चाइल्ड मोर्टेलिटी की दर में सुधार हुआ है जो अब थ्री पॉइंट सेवन परसेंट हो गई है चाइल्ड मोर्टैलिटी पाँच साल से कम उम्र के बच्चों का एक डेथ रेट को बताता है इससे रिलेटेड एक पी डी एफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, में अटैच कर दूँगा अगर आप इससे ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो उसे डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कुछ और इन्फॉर्मेशन है तो हमारे साथ शेयर करें और साथ ही साथ हमें ये भी बताएं कि हमें अपनी वीडियो में और क्या क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए थैंक्स फॉर वॉचिंग